हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम टॉप 5 न्यूज को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूज देखते हैं। तो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। आप में से कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, 21 जून है। सेकेंड जो है वो ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं उनका क्या नाम है। उनका नाम हो जाएगा आपका स्वामीनाथम जानकी रमन। ये इनका राइट नेम है, किनका, डिप्टी गवर्नर का, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, यानी 200 इंटरनेशनल लेवल पे जो मैच जिन्होंने खेला है, फुटबॉलर की बात कर रहे हैं ना कि क्रिकेटर की, तो फुटबॉलर को आपको बताना है कि इनमें से कौन हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये इनका राइट नेम है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 कंडक्ट हुआ है वो किसने जीता है। इसका राइट ऑप्शन है इंडिया। इंडिया की जो महिलाओं की क्रिकेट टीम है उन्होंने वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 अपने नाम कर लिया है, तो इसका राइट ऑप्शन इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सलमान रुश्दी। तो इस वीडियो में हमने टॉप 5 न्यूज को कवर किया है। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।